अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल मुहैमिन फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टॉप 5 लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स के ऊपर। इन परफ्यूमों की लॉन्ग लास्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, बट अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि यार हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम यूज़ किए हैं लेकिन उनकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो हमारे कपड़ों के ऊपर या हमारी बॉडी के ऊपर उनका स्टे नहीं होता। क्योंकि अक्सर लोगों की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप होती है, जिसकी वजह से कई परफ्यूम जो है उनकी बॉडी के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग नहीं दे पाते। बट जो मैं आज आपके लिए परफ्यूम लेके आया हूँ, इनकी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो हर किस्म की बॉडी के ऊपर इनका स्टे होता है। तो मेरी आज की वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, और इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने परफ्यूमों की तरफ। तो नंबर 5 के ऊपर है अरमानी कोड परफ्यूमो बाय जॉर्ज अरमानी, ठीक है, ये डिज़ाइनर ब्रांड है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी लॉन्ग लास्टिंग की, तो इसकी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो कम अज़ कम आपके कपड़ों के ऊपर 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग है। और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही स्वीट, मस्की, पाउडरी, फ्रेश, जूसी टाइप की खुशबू है इसकी, ठीक है। ये समर के लिए बेहतरीन परफ्यूम है, इसको आप अपनी पार्टीज एंड फंक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो मार्केट प्राइस है, ये परफ्यूम आपको तकरीबन कोई 17 से 18 हज़ार की रेंज के अंदर ही आपको मिल जाता है, वो भी बहुत आसानी के साथ। और ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, बहुत ही एग्जेक्टिव क्लास परफ्यूम है ये वाला, ठीक है, अरमानी कोड परफ्यूम। अब आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 पे मेरा है DNG The One। ये एक लाइट ब्राउन टाइप का इसका वाटर है और वुडी इसका कैप है, ठीक है। और ये एक एग्जेक्टिव क्लास परफ्यूम है, ठीक है। इसको आप अपने ऑफिस यूज़ के लिए, आप अपने इंडोर यूज़ के लिए बहुत बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी लॉन्ग लास्टिंग की, तो ये परफ्यूम आपके कपड़ों के ऊपर मैक्सिमम कोई 15 से 20 घंटे की लॉन्ग लास्टिंग देता है। और इसकी जो खुशबू है ये बहुत ही वुडी, स्पाइसी, फ्रेश, फ्लोरल, एम्बर एंड सिट्रस टाइप की खुशबू है इसकी, ठीक है। और इसकी जो मार्केट प्राइस है, ये परफ्यूम आपको जो है वो तकरीबन कोई 20 से 22 हज़ार की रेंज के अंदर ये परफ्यूम आपको मिल जाता है, ठीक है, DNG The One। अब आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 पे मेरा परफ्यूम है एक्वा डी जियो बाय जॉर्ज अरमानी, ठीक है। ये फ्रास्ट टाइप की एक बॉटल है, सिल्वर इसका कैप होता है, ठीक है। और ये परफ्यूम आपकी गैदरिंग, इवेंट्स, फंक्शंस के लिए भी बहुत बेस्ट है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी लॉन्ग लास्टिंग की, तो ये परफ्यूम आपके कपड़ों पे जो है वो तकरीबन कोई 1.5 से 2 दिन की लॉन्ग लास्टिंग देता है। और बाज़ात ये तो आफ्टर वॉशिंग भी खुशबू जो है वो आपको कपड़ों में से आ रही होती है। ये अब कह लें कि सिंथेटिक टाइप की एक खुशबू है, ठीक है, बहुत ही एक स्वीट एंड एक फ्रेश टाइप की खुशबू है। और ये समर के लिए बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो गर्मियों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाते हैं लेकिन उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती उनके बॉडी के ऊपर। तो ये परफ्यूम जो है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, एक्वा डी जियो बाय जॉर्ज अरमानी। इसकी जो मार्केट प्राइस है, ये परफ्यूम आपको तकरीबन कोई 18 से 20 हज़ार की रेंज के अंदर ये परफ्यूम आपको मिल जाता है, ठीक है, एक्वा डी जियो बाय जॉर्ज अरमानी। अब आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 पे मेरा परफ्यूम है वर्साचे डल एंड ब्लू, ठीक है। एक डार्क ब्लू टाइप की बॉटल है, ठीक है, गोल्डन टाइप का इसका वो कैप और उसकी नेक बनी हुई है, ठीक है। और इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है, ये एक क्योंकि एक लाइट एंड सॉफ्ट टाइप की खुशबू है, तो ये आपके कपड़ों पे मैक्सिमम कोई 14 से 15 घंटे का इसका स्टे होता है। लेकिन ये जो 14-15 घंटे होते हैं आपके, ये इसमें आपको बहुत एक बूस्ट टाइप की खुशबू देता है, क्योंकि इस परफ्यूम की जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि इसका जो फैलाव है वो काफ़ी दूर तक जो है वो जाता है, ठीक है, वर्साचे डल एंड ब्लू। इसकी जो खुशबू है, इसके अंदर आपको एक्वाटिक, फ्रेश, स्पाइसी, लेवेंडर, एक ट्रॉपिकल, एक अर्थी और एक शार्प टाइप की खुशबू आपको इसमें से मिलती है, ठीक है। और ये परफ्यूम जो है ये आपको मार्केट में से तकरीबन कोई 16 से 17 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर ये परफ्यूम आपको मिल जाता है, वर्साचे डल एंड ब्लू, ठीक है। अब आते हैं नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1 पे हमारा परफ्यूम है टेरी डी हर्मस, ठीक है। ये एक लाइट ब्राउन टाइप का इसका वाटर है और इसका जो शावर है, इसको नीचे करके आप इसको शावर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो परफ्यूम है, ये एक टिपिकली एक मेंस फ्रेग्रेंस है, ठीक है। मतलब ये कि इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही एक हार्ड टाइप की खुशबू है, इसकी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है ये वाला। और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही स्वीट, वेटिवर, लेवेंडर, वुडी, एम्बर और सिट्रसी, स्पाइसी और
थोड़ी सी एरोमेटिक टाइप की खुशबू है इसकी, ठीक है। ये परफ्यूम भी आप अपने फंक्शंस, अपनी गैदरिंग, अपने आउटडोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस परफ्यूम की जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये परफ्यूम आपको आफ्टर वाशिंग जो है वो खुशबू देता है कपड़ों में से, ठीक है। टेडी डी हर्मस, और इसकी जो मार्केट प्राइस है, ये परफ्यूम आपको तकरीबन कोई 16 से 18 हज़ार के रेंज तक जो है ये परफ्यूम आपको मिल जाता है मार्केट में से, ठीक है, टेरी डी हर्मस। और ये वो 5 परफ्यूम हैं जिनकी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये हर किस्म की बॉडी के ऊपर इनका स्टे होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए कुछ नेक्स्ट कुछ ऐसे परफ्यूम्स लेके आया हूँ आऊँगा जिनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत लो प्राइस के अंदर होगी, बट उनकी जो लॉन्ग लास्टिंग है या उनका जो एक प्रोजेक्शन का जो एक स्टे होता है वो बहुत ही आला होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आज। और यार प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।